हापुड़ में बड़ा हादसा। यूपी के हापुड़ से बड़ी खबर, हापुड़ हलचल आपको दिखा रहा है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के सिखेड़ा नेशनल हाईवे का है। नए बाईपास पर I-20 कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगी, दीवार से जा टकराई। कार में करीब 5 लोग सवार थे। राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस, पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हाईवे पेट्रोलिंग टीम की ओर से शैलेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा नंबर की सफेद रंग की एक कार सिंभावली की ओर से दिल्ली और जा रही थी। जैसे ही गाड़ी सिंभावली थाना क्षेत्र के सिखेड़ा में स्थित नए बाईपास पर पहुंची तो गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चलकर दीवार से टकरा गई। इस दौरान गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हाईवे पेट्रोलिंग से शैलेंद्र सिंह, आरपीओ। अभी जैसी सूचना मिली तुरंत यहाँ पहुंचे हैं। उसमें 5 बंदे थे, 2 फैटल हो गए और 2 मेजर इंजर्ड है, वो पहले ही पहुंचा दिए हैं। बाकी गाड़ी को यहाँ से हटानी, थाने का हेड रहा। बड़ी खबर हापुड़ हलचल आपको दिखा रहा है। हापुड़ से